बहुत बहुत अभिनंदन आप सबों का। सुप्रभात 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 सुप्रभात। जय जवाहर जय झारखंड। आप सबों का खोड़ा के विषय में बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए आज हम लोग बात करेंगे खोड़ा से संबंधित जानकारी, जिसमें हम लोग बात करेंगे खोड़ा में जो प्रथम है, खोड़ा में प्रथम आज का विषय है। खोटा में प्रथम क्या क्या हुआ, इससे दो या तीन सवाल आपके सीजीएल में देखने को मिलेंगे। तो खोटा में प्रथम, तो सबसे पहला खोटा के पहले कवि का नाम क्या था। खोटा के पहले कवि, हु इज द फर्स्ट कवि पोएट ऑफ खोटा, तो इसका सही जवाब होगा राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह। पहला अगर खोटा में पूछा जाए कि महाकाव्य कौन सा था, महाकाव्य खोटा में महाकाव्य बोलते हैं, पहला महाकाव्य कौन सा था, तो उनका पहला महाकाव्य जो था वो था शिव सागर। फर्स्ट महाकाव्य दैट फ्रॉम खोटा दैट इज शिव सागर। पहला रीति ग्रंथ कौन सा था, रीति ग्रंथ ऑफ खोटा, खोटा में पहला रीति ग्रंथ का क्या नाम था, तो उसका काव्य मंजरी नाम था, काव्य मंजरी। अगर खोटा के समाज के अगर पहले कवि का नाम पूछा जाए कि पहला सामाजिक कवि, पहला सामाजिक धारा का कवि, सामाजिक कवि किसे कहा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। पहला सामाजिक कवि कौन थे खोटा के, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। पहला पत्रिका क्या था जो खोटा में प्रकाशित हुआ था, फर्स्ट पत्रिका जो खोटा में प्रकाशित हुआ, उनका नाम था मातृभाषा, उसका क्या नाम था, मातृभाषा। पहला पत्रिका का नाम पूछा जा सकता है, इट इस वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनका नाम है मातृभाषा। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसके संपादक थे श्रीनिवास पानुरी जी। अगर पूछा जाए कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, पहला समाचार पत्र खोटा में प्रकाशित, तो उनका नाम ही था खोटा, उसका क्या नाम था, तो खोटा ही नाम था। पहला हम लोग बात कर रहे हैं आज का विषय जो है वो खोटा में प्रथम क्या क्या हुआ। पूछा जाएगा कि मासिक पत्रिका का क्या नाम था, मासिक जो पत्र छपता था बुलेटिन, मासिक पत्र पहला उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था तितकी। और इसके संपादक का नाम बता सकते हैं आप, इसका संपादक का नाम था विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी जिसको राज भी बोलते हैं। गद्य लेखक कौन था, पहला गद्य लेखक, गद्य जिसको हम बोलते हैं गद्य लेखक, पहला गद्य लेखक कौन था, हु इज द फर्स्ट गद्य लेखक फ्रॉम खोटा, तो इनके नाम है श्रीनिवास पानुरी जी, श्रीनिवास जी या पानुरी जी पहला गद्य लेखक थे। पहला अनुवादित, जिसको अनुदित बोल सकते हैं आप, अनुदित, या अगर खोटा में बोलेंगे तो उल्था करल, उल्था करल मतलब अनुवादित, पहला अनुदित काव्य का नाम बताइए खोटा में, तो वो था मेघदूत, मेघदूत श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, जैसा कि मैंने बता दिया पहले ही। अगर आपसे पूछा जाए पहला नाटक क्या था खोटा में, पहला नाटक जो हुआ था उसका नाम था उद्भासल कर्ण, उपेक्षित कर्ण जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, और खोटा में था उद्भासल कर्ण, पहला नाटक था। ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया था पता है आपको, उद्भासल कर्ण ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया था। और पहला कहानी
छोटा का पहला कहानी का नाम क्या था? पहला कहानी था आपन करनी, आपन करनी, देवेक दास, देवेक दोष, मतलब अपनी करनी दूसरा का दोष, ये भी श्रीनिवास पानोली जी द्वारा लिखा गया है। पहला उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला उपन्यास, उपन्यास हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, लेकिन उपन्यास लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उपन्यास, पहला उपन्यास क्या था? पहला उपन्यास जो था वो जिंगिक, जिंगिक तो था, जिंगिक तो, पहला उपन्यास जिंगिक तो चित्रंजन महतो द्वारा लिखा गया था। पहला जो कविता था जो संकलित किया गया था, फर्स्ट कविता जो संकलन किया गया था, मतलब गुच्छा के रूप में, वो नाम था माला के फूल, यानी मलाक फूल, मलाक फूल। पहला कविता मलाक फूल श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा। पहला जो कहानी संग्रह था वो क्या था? कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह क्या था? पहला कहानी संग्रह रक्ते भींजे पाखल, रक्ते भींजल पंखा, पंखा पहला कहानी संग्रह था। हालांकि यह अप्रकाशित था, ये छपा नहीं था, लेकिन अगर पूछा जाए पहला जो छपा था कहानी संग्रह, के लेखक जो थे पंचम महतो थे, फरीश ढहर था। व्याकरण पूछा जा सकता, पहला व्याकरण क्या था खोटा में? खोटा का पहला व्याकरण का क्या नाम था, या उसके व्याकरण के लेखक कौन थे? पहले व्याकरण के लेखक ए के झा, ए के झा, ये पहले व्याकरण, या कह सकते हैं कि व्याकरण थे यह। और इसका नाम क्या था? व्याकरण का नाम था खोरटा सहित सदानिक व्याकरण। अगर पूछा जाए पहला पंजीकृत संस्था क्या था? पंजीकृत संस्था, खोरटा का पहला पंजीकृत संस्था का नाम बताइए। तो पहला जो पंजीकृत संस्था था वो था खोटा साहित्य परिषद, खोटा साहित्य परिषद बोकारो में है। पहली पंजीकृत पत्रिका का नाम बताइए। पहली पंजीकृत पत्रिका, पहली पंजीकृत पत्रिका क्या थी? तो उसका नाम था लुआठी। पहली पंजीकृत लुआठी था। पहला व्यक्ति जिसने पीएचडी किया, पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी किया, पहला व्यक्ति खोटा के पहले पीएचडी धारी कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर गजाधर माधव, गजाधर महतो। तो पहला पीएचडी धारी डॉक्टर गजाधर महतो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसका मतलब उपनाम क्या है गजाधर महतो का? प्रभाकर। लोक गीत गायक का नाम बताइए। पहला लोक गीत गायक, लोक गीत गायक, पहला लोकगीत गायक कौन था? उसका नाम क्या था? कन्हैया लाल यादव। यस, कन्हैया है तो स्वाभाविक है गायक ही होगा कन्हैया लाल। तो राजकीय सम्मान पहला किस व्यक्ति को दिया गया था?
छोटा के पहले राजकीय सम्मान से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिसको पहला राजकीय सम्मान मिला। उनका नाम था विश्वनाथ जी, विश्वनाथ दसौंधी, जिसको राज भी बोलते हम लोग। खोटा रत्न पहला व्यक्ति किसको मिला था? पहला व्यक्ति जिसको खोटा रत्न से सुशोभित किया गया उसका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? पहला खोटा रत्न से सम्मानित उपाधि पाए वाला साहित्यकार का नाम था कलाकार सुकुमार। पहली कवित्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पहली कवित्री खोटा की पहली कवित्री का क्या नाम था बताइए? पहली कवित्री खोटा की, हालांकि वो एक समाज सेविका भी थी, उनको समाज सेविका का उपाधि भी मिला था, खोटा रत्न भी मिला था, तो उनका क्या नाम था? गीता वर्मा। खोटा में पहला यात्रा वृतांत जिसको यात्रा वृतांत बोलते हैं क्या था? पहला यात्रा वृतांत क्या था बता सकते हैं आप? जी हाँ, पहला यात्रा वृतांत उसका नाम था दार्जिलिंग यात्रा पहला यात्रा वृतांत था। लेकिन पहला अगर पूछा जाए कि जो यात्रा वृतांत था वो दार्जिलिंग यात्रा तो था, और गंगटोक यात्रा जिसको बोलते हैं इसके लेखक का नाम क्या था? इसके लेखक का नाम चंद्रभूष साहू था। पहला निबंध किताब कौन सा छापा था और उसके लेखक का क्या नाम था? तो खोटा निबंध पहला किताब था, इसका नाम ही था खोटा निबंध। पहला निबंध का नाम खोटा निबंध था और इसके लेखक थे डॉक्टर बी एन ओहदार। जी हाँ, पहला गीत एल्बम कब छपा था? गीत एल्बम का क्या नाम था? पहला खोटा गीत एल्बम का क्या नाम था? तो पहला गीत एल्बम सोना जैसा पिया, समझे? एक ब्लॉग लिखाया गया, ब्लॉग, आज जो हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, पहला ब्लॉग किसने लिखा खोटा में? तो गिरधारी स्वामी जी द्वारा, पहला ब्लॉगर ऑफ खोटा तो गिरधारी स्वामी। तो इसको क्या बोलते हैं कॉमन, इसका कॉमन नाम क्या है गिरधारी स्वामी जी का? आकाश खूटी। यस, खोटा का जो पहला वेबसाइट बना था उसका क्या नाम था? पहला वेबसाइट, व्हाट इज द फर्स्ट वेबसाइट फ्रॉम खोटा? दैट इज khota.in। भारत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, पहला खोटा कलाकार का नाम क्या था? विनय तिवारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए इस चैनल में, सीखते रहिए, जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।